वेलकम बैक। थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा होगा, वजीर खजाना का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने रोने वाली खबर हंसते हंसते सुनाई, जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, चार भाई हैं और एक रोटी है तो चार टुकड़े कर लें, चार रोटियां आईं तो फिर पूरी पूरी खाएंगे। वजीर खजाना ने दावा किया कि इमरान खान ने IMF से सब्सिडी खत्म करने का मुआहिदा किया था। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी पे है, चार भाई हैं और अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर एक एक चौथाई उसकी खानी है, जब चार रोटी आएंगी तो फिर पूरी पूरी रोटी खाएंगे। इमरान खान साहब, शौकत तरीन साहब ने साइन किया था IMF से, मुआहिदा करके गए थे, एक पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे। शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता या तो नौकरी से निकाला जाता या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल। रुखसती से दो चार दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा एक रशिया को, हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। आई सी 3 or 4 पीपल सिटिंग इन द थर्ड रो हु ओन प्लेन्स। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे। वजीर खजाना का मुहिम ऐलान, शहरियों में बेचैनी फैल गई। मुल्क भर में शहरी पेट्रोल पंप पर टूट पड़े, कराची में कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। मिफ्ता इस्माइल ने कहकह मारते हुए कहा कि थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा होगा। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल खत्म हो रहा है बिल्कुल। वोट नहीं हो रहा, बट डलवाना तो पड़ रहा है ना भाई, सर्वाइव तो करना है, जॉब पे भी जाना है, हर चीज करनी है। महंगाई का दौर है लेकिन क्या करें, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा। 50 रुपए में ये लैपटॉप बस आने जाना करते थे, अब जो है ना 200 में हो रहा हमारा, तो 20,000 रुपए हमारी सैलरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे ये बता दें। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज के अंदर इजाफा हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा।